हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। कैसे हैं आप लोग? हाँ, दो चार दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए आप लोग अपसेट होंगे कि मैम वीडियो नहीं बना रही हैं। बट अब मैं फिर से आ गई हूँ और फिर से स्टार्ट करूँगी डेली, जैसे आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ वैसे ही आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेकर आऊँगी। और बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि मैम UGC नेट की तैयारी कराइए, तो मैं UGC नेट, CTET, UPTET सबकी तैयारी कराऊंगी, पर बेसिकली UGC नेट के लिए आया है तो मैं पहले UGC नेट के लिए ही लेकर आई हूँ वीडियो। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल था रक्षाबंधन, तो हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, तो उसकी एक डेली लाइफ पे वीडियो बनी हुई है, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको ज़रूर देखेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं UGC नेट के प्रोसेस कैसे वो काम होता है, सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, वह मैं आपको आज बताऊंगी। UGC नेट, अगर आपने MA जिस भी सब्जेक्ट से किया है, आप उसी के नेट का पेपर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने साइकोलॉजी का MA किया हुआ है साइकोलॉजी से, तो आप नेट जो है वो साइकोलॉजी से दे सकते हैं। अगर आपने होम साइंस, इंग्लिश ऐसे कोई भी सब्जेक्ट से किया है, तो उसका आप उसी के आप नेट का पेपर दे सकते हैं। इसमें अगर आपका 40% मार्क्स आते हैं जनरल में, दोनों पेपर में चाहिए, इसके दो पेपर होते हैं, इन दोनों पेपर में अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। और OBC के लिए 35% है, आपके लिए 40% है, अगर दोनों पेपर में 40% आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाई माने जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें दो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। बहुत पहले, कुछ आई थिंक चार पाँच साल पहले तीन पेपर होते थे, पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक पेपर जनरल होता है, वो सबके लिए सेम होता है, जैसा औरों का आएगा किसी भी सब्जेक्ट का हो वो सेम होता है। और पेपर टू, अब तो आपके लिए सब पेपर टू हो गए हैं, पेपर टू में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, वो एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल आ सकते हैं, फैक्ट बेस्ड आ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयारी करनी होगी, सिर्फ रटना नहीं होगा कि क्वेश्चन की सीरीज ले आ दी और क्वेश्चन तैयार हो गया, आपको समझना होगा। जितना आप समझेंगे उतना ही एप्लीकेशन बेस्ड पर आप कर पाएंगे, वरना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बिना समझे हुए नहीं हो पाता। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और सभी 2 मार्क्स कैरी करेंगे, 100 मार्क्स के आपके फर्स्ट पेपर होगा। उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और जनरल अवेयरनेस हर चीज़ से रिलेटेड होगा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, रीजनिंग कुछ भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद पेपर टू आपके जो हैं वो 100 क्वेश्चन होंगे और सबके 2-2 मार्क्स कैरी होंगे, मतलब 200 मार्क्स। तो कितने हुए, 100 एंड 200 क्या हो गया, 300 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, 150 टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी कभी कभी लगा सकते हैं। और इसके सिलेबस के बारे में मैं आगे की वीडियो में आपसे बात करूंगी कि इसका सिलेबस क्या क्या है और कैसे है, तो अब मैं इसके आगे की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर आपको अपनी तैयारी करनी है किसी बेस पे भी, आपको जिस चीज़ की तैयारी करनी है आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए आपके लिए कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ और आप लोगों को जितना अच्छा समझा सकती हूँ समझा सकूँ, सो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।